तो गाइस यहाँ पर पापा कटर बना रहे हैं, धार लग गई है, अब यहाँ पर फिटिंग करी जा रही है। धार लगी हुई है, हमको तो नहीं दिख रही है। ये तो देखिए धार लगी है। और यहाँ पर अभी फिटिंग हो रही है, देखिए। देखिए अब तो फिटिंग हो गई है कि अब ये सब कुछ हो गया है फिटिंग, अब ये बस कटने जा रहा है। देखिए वो हो गए, कट जाएगा। सबसे पहले हम लोग इसमें पेपर काट के देखते हैं, अगर पेपर सही कट रहा है तो फिर टीन आराम से कट जाएगी, अगर पेपर नहीं कटेगा तो उसमें रेशे आएंगे तो फिर टीन नहीं कटेगी। अच्छा तो फिर मैं काट के दिखाइए, कट करके दिखाइए। देखिए कट हो रहा है। पापा ये क्या करा आपने, किसी की शादी का कार्ड आपने कटवा लिया, अब क्या होगा? ये जो आप देख रहे हैं ये हैंडमेड कटर है, ये हैंडमेड कटर है, और जो ग्राइंडर सरफेस ग्राइंडर से जो धार लगकर टिन कटर बनता है वो बहुत कम चलता है। ये कटर 8 साल के बाद हम लोगों ने धार लगाने के लिए खोला है। कितने साल बाद खुला? 8 साल। मतलब ये 8 साल तक मतलब ये काम कर रहा था, अब जाके इसकी धार खत्म हुई है, है मतलब ये कहने का आप सोच। अभी जो है हैंडमेड का काम जो है करने वाले लोग नहीं है, तो ये फादर ने हमारे हमको सिखाया था, मैंने मतलब देखते देखते सीखा था, तो मैं कर लेता हूँ। पापा के फादर और मेरे मुश्किल से 1 घंटा लगा है, 1.5 घंटा, और ये तैयार हो गई। तो पापा जी को 1 और 1.5 आवर्स लगे हैं इसको साफ करने में, और यहाँ पर इसके सारे के सारे अंचर और पंचर सब निकले हुए हैं। अभी हम लोग इसकी बाकी फिटिंग भी करेंगे, और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो जैसे आप लोग टिन लेंगे और टिन काटते हैं। सो गाइस मतलब कि पापा के पापा और मेरे दादा ने कर करके ये पापा ने देख देख के इसको सीख लिया है कैसे क्या करना है इसके अंदर। और अभी देखिए पापा ने ये पूरा जिसमें अभी वो पेपर भी नहीं कटता था अब उसमें ये कट रहा है। आप देखिए अभी ये आ गई टीन हमारी, ये कटेगी सही से फेंका करिए, देखते हैं टीन कट सकती है कि नहीं कटेगी। तो ये पापा ने रखा बीच में और गई। बहुत धार कैसे लगाई पापा आपने? उसका वीडियो है। तो फिर धार का भी वीडियो जो है वो बनी है। तो यहाँ पर ये देखिए ये जो है वो कट चुका है पहले से, और ये थी पहले की। तो हम लोगों को आपको प्रूफ के लिए दिखा देते हैं कि ये पहले का था, और ये देखिए पतला हो चुका है। हाँ, प्रूफ रूप जिसको जानकारी है वो उसको जानता है। डायरेक्ट कट गया, ये देखिए ये रखकर बिल्कुल पतला काटते हैं, चौड़ा तो आराम से किसी बिना धार वाले में भी कट जाता है, पतला जब ही काटेगा जब इसमें धार होगी। अच्छा ये देखिए फिर से कट चुका है। अगेन एंड अगेन वी गॉट सक्सेस। ठीक है तो पापा की वन आर की जो वो है बेटा आइल आइल वो हो चुका है। तो मतलब होता क्या है जब ये ऊपर उठता है तो इसके साथ ये भी उठता है, और इसी से ये ऊपर उठ के इसको नीचे कर दिया जाता है, बस हो गया। ठीक है गाइस टाटा बाय बाय, लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपको टीन विन के मतलब मामले कुछ चीज़ भी पूछनी हो ब्रश के मामले में वो पापा बता देंगे ना बाबा जी बता देंगे। यहाँ पर पापा कुछ कर रहे हैं, पतली सर क्या कर रहे हैं? निकल रही है, पैकिंग तो लगानी। बाबा पैकिंग लगा रहे ये वाली। अगर इस तरह का कटर रिक्वायर्ड होगा तो वो भी मिल जाएगा। अगर आप लोगों को कटर चाहिए तो कमेंट में हमें बता दीजिए, तो पापा आपको दिलवा देंगे, और अगर इसके बना देंगे, और अगर आपको इसके अंदर मतलब आपके पास हो और कुछ मतलब ख़राब हो गया हो तो वो भी पापा को आप कमेंट करके बता सकते हैं, वो भी पापा सही कर देंगे। क्योंकि पापा को इसके हर मतलब ये अगर अंचर पंचर ढीला भी हो जाए तब भी ये पापा कर लेंगे। तो पापा ये हार पे गए सच्ची का? अच्छा तो ऑयल है।
ये डल रहा है ऑयल। तो पापा ने कहाँ कहाँ डाला, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर एंड यहाँ पर, और फिर वहाँ पर, सारे जहाँ पर से ये हिल रहा है वहाँ पर डाला है पापा ने। लाइक भाई कितनी देर लगी? एक घंटा। वन आवर लगा है। और ये पापा कहाँ पर लगा रहे हैं? ये पापा धार, पापा सही है। ये पापा ने खतरों के खिलाड़ी बन के पापा ने लगा दिया यहाँ पर भी। अब ये चल रहा है स्मूथ, जैसे कि अब आप देख सकते हैं। और ये अब कट गया, अभी हम लोग इसको कट करेंगे। सही है, इसको फ्री करा पापा ने, इसको स्मूथ करा है। हम लोग कट करके देखेंगे, एकदम पतला कटेंगे बाल जैसा। तो ये कट चुका है अभी। तो यहाँ पर ये देखिए, आपको दिख रहा होगा ये जो है हम लोगों को कट है, ये जो टीन है वो कट चुकी है। ये टीन हम लोगों को यूज आती है ब्रश के बीच वाले हिस्से को बनाने में, उसको कहते हैं फेरुल, है ना। उसी का हम लोगों को पहला काम था, लेकिन अब हम लोग ब्रश का वर्क करने लगे हैं। ये पापा ने टू नट्स जो है वो अंदर डाल दिए हैं। इसका वॉशर जो है वो नहीं मिल रहा है, इसलिए अभी ये नहीं डला है। तो गाइस अभी पापा इसको बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से बनाएंगे, आप देखेंगे कैसे बना सकते हैं। सोना चांदी वाला चाहिए क्या? तो पापा ये क्यों चढ़ रहा है? प्लेट वो बाद में पड़ेगी। पापा ये क्यों चढ़ रहा है? पापा जी ये साइज करने के लिए, मतलब ये बाद में साइज जो चौड़ाई कैसे काटेंगे। अच्छा, तो पापा लोग ये नट चढ़ा रहे हैं, वन चढ़ के दूसरा चढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर ये वो ये लगा है प्लेट, तो प्लेट इससे हो रहा है, अभी ये जल्दी से होगा। सब पापा हैं बिल्कुल, मतलब पापा ने सारी चीज़ें मतलब कर ली हैं लॉकडाउन में। पापा ने हेयर कट करा, और अभी यहाँ पर जो मेरा मतलब वो 15 अगस्त का जो मुझे डांस करना था, उसका कोट जो था उसमें कुछ डिफेक्ट निकला था, उसको भी पापा ने सिल दिया। और यहाँ पर ये जो कटर था पापा ने उसको भी सही कर दिया। तो पापा माने जाएंगे ऑलराउंडर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे कान बज गए, और फिर अभी पापा इसको कट करने जा रहे हैं। कट करेंगे क्या पापा? प्लेट क्यों होती है, मैं समझ नहीं आया अभी तक। सो यहाँ पर अभी लेक भाई ने ऐसे रख के, ये जल्दी से रुक जाए। अरे वो करने तो करो और टाइट करो। देखिए ये ऐसे, तो यहाँ अच्छा ये स्टैंड है, ठीक है। अच्छा ये स्टैंड है, मतलब ओके ओके यस। ऐसे मतलब अगर ये नहीं होगा तो हम लोगों को ऐसे ले जाना होगा, और अपनी उंगली को, अपनी जो हम लोगों को फिंगर्स को दाव पे लगाना पड़ेगा, उससे हम लोगों की फिंगर्स जो हैं वो थोड़ी सी डिफेक्ट भी हो सकती हैं। पापा कह रहे हैं गेट डालो, और ये देखिए ये गेट है, ये पापा इनको इसको कहते हैं गेट, गेज। इन लोगों की भाषा में समझाना पड़ता है गेट, इसको है असल में यह है कि गाय। कृपया अगर आप एयरफोन लगा के ये सुन रहे हैं तो कृपया आप ना सुने, क्योंकि आपके कान डैमेज हो सकते हैं, फिर हम लोग कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। पापा हमको ना डेंजरस एक्ट पे इसकी वायलेंस लग सकती है। क्यों? हम लोगों को मदद करनी है ऑडियंस की, और कुछ नहीं करना है बस। यहाँ पर अभी बस करो।
गाइस अभी हो चुका है तो पंचर हम लोगों के। अब देखिए ये जो गेज कहते हैं साइजिंग के लिए, अब देखिए ये जो गेज होता है ये साइजिंग के लिए होता है। अब देखिए यहाँ तक ही जाएगा ये और इतना ही कटेगा। पापा ये इसके बीच में कितने सेंटीमीटर का गैप होगा? चाहे आप उतना चौड़ा पतला सेट कर सकते हैं इसको, देखिए ठीक है, ये इसके लिए होता है। देखिए अब ये सारे बराबर कटेंगे, और पतला चाहिए और पतला कर सकते हैं। तो हम लोग नट के बदौलत हम लोग ये सब कर सकते हैं। तो मतलब कि ये मतलब ज़्यादा मशीन वाला तो काम नहीं है, देसी जुगाड़ है ये। पर लेकिन यहाँ पर एक रूलर लगा होना चाहिए गलत। रूलर कैसे? ये रूलर की इक्वल लेंथ का कटे वरना सिमेट्री वो पैरेलल नहीं कटेगा, है ना? कुछ तिरछा काटना है तो भी काट सकते हैं। गाइस अभी पापा ने थोड़ा सा वो कर दिया है, मतलब क्या पास में, तो अब देखिए ये पतला कटेगा। तो दिखाइए पापा, ये है बाद वाले का और ये अभी तीन भी इसी साइज ही कटेगी। पापा हैंड आई हटा लीजिए ना, ज्यादा पतली हो रही कहीं, और पतला कर रहे हैं पापा क्या? नहीं चौड़ा कर रहे हैं। ओके, सो पापा कर रहे हैं इसको चौड़ा और ये कट चुका है। यहाँ पर ये देखिए, ये जो है हमारी पूरी टीन आ चुकी है बिल्कुल वही साइज में जैसा आपको देखने है। और पापा का मिशन सक्सेसफुल हो चुका है। अच्छा देखिए पापा, ये जो है वो नोटबुक बनाने में बग आ सकता है, जैसे कि अगर हम लोगों को रजिस्टर्स बनाने हो तो एक साइज के रजिस्टर्स कटेंगे ना बाबा, ऐसे ही पेपर का कटर अलग होता है। अच्छा ठीक है, ओके ओके बाय। एनी है फॉर एनी हेल्प कॉन्टैक्ट अस, कमेंट फॉर कॉन्टैक्ट अस।